गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरु नमः। दोस्तों सभी को गुरु पूर्णिमा का हार्दिक बधाई और जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल। मैं आपका दोस्त बलवीर सिंह स्वागत है आपका पहलवान यूनिवर्सिटी बॉडी बिल्डिंग चैनल पर। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं कुछ बुरे चीज़ों से छुटकारा पाने की। जैसे कि आज के टाइम पे जो जवान बूढ़े हैं, यानी जो जवानी में बूढ़े हो जा रहे सिगरेट का सेवन करके, और ऐसे कई सारे पदार्थ हैं जिसका वो सेवन करके जवानी में वो बूढ़े हो जा रहे, तो क्षत्रिय प्राणायाम इसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है जिससे आपको कई सारे लाभ पहुँचेंगे। जैसे कि दोस्तों समतलामुखी बहुत ही कारगर है आपके फेफड़ों को साफ करने के लिए। इसके दो अभ्यास मैं आज आपको बताऊंगा, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले लंगोट पहनना ज़रूरी, उसके बाद जिस्म में गर्मी ज़रूरी, यानी अच्छे से वार्म अप करके उसके बाद ही आप क्षत्रिय प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, जिसके अंदर शुरुआत में आपको मारना है भस्त्रिका। अब ये मानने से कहेंगे, एक को आपके जो फेफड़ों में गंदी चीज़ें यानी गंदे पदार्थ जा जा के उसका सत्यानाश हुआ, उससे आपको छुटकारा मिलना चालू हो जाएगा। दूसरा जो दिमाग के अंदर दोस्तों जो निकोटिन रिलीज करता है डोपामाइन, यानी जो नशाल करने के बाद में दिमाग को एक सुकून मिलता है, उससे कई गुना ज़्यादा आपको सुकून इस अभ्यास से मिलेगा। जो युवा है वो इसे तेज़ी से कर सकते हैं। इसमें कई सारी जगहों पे देख रहा हूँ दोस्तों मैं कि कई सारे मेरे भाई बंधु कुछ मिस्टेक कर रहे हो, वो लोग ऐसा उठा रहे, ये नहीं, इसमें ये नहीं आना। जैसे माता भवानी राक्षस का संहार करती त्रिशूल मार के, वैसा इसका पोजीशन है ना, ये पीछे हाथ इसका ऐसा जाना, जब आप पीछे ले आ रहे तो ये इसका ये स्टाइल है। जैसे जैसे आपके अंदर क्षमता बढ़ते जाएंगी वैसे वैसे इसका वजन बढ़ा सकते हैं आप, यानी हैवी पे जा सकते हैं। ये एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज नहीं है जिसका अपन त्याग नहीं कर सकते, आत्मविश्वास की जरूरी रहना। देखिए कई सारे मौके ऐसे हो जाते कि कुछ चीजों की वजह से अपने को दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता, दूसरों के अपने को बाता, यानी जिनकी औकात भी नहीं रहती अपने के सामने नज़र उठाने की, वो भी अपने को गिरे हुए नज़रों से देख के चार अल्फाज बोल सकते, तो ऐसी चीज़ें करना क्यों, दूसरों की नज़रों में गिरना क्यों। आइए बढ़ते हैं अगले अभ्यास के लिए। दूसरे अभ्यास में दोस्तों आपको एक ही समतोलामुखी लेनी है, लेकर आपको मारना है कपालभाति का एक और रूप, जिसके अंदर आपके आंतड़ियों में आपके फेफड़ों में यानी आपके जितने भी अंदरूनी ऑर्गन्स है उसके अंदर एक मंथन होगा, और वो कैसा अभ्यास है ये देखिए। ध्यान रखें दोस्तों इसके अंदर आपको अपनी कमर झुकानी नहीं है, और जिनको कमर की सर्जरी उसको एकदम लाइट वेट से करना। कमर झुकाने से आपके कमर में दर्द आ सकता, आपकी कमर एकदम सीधी, गर्दन एकदम सीधी, उसके बाद ही इसका अभ्यास श्वास बाहर फेंकते हुए। जैसे जैसे क्षमता बढ़ेंगी वैसे वैसे अपन अभ्यास और कठिन करते जाएंगे। जैसे कि देखिए ये बड़ा समतोलामुखी, इससे ये अभ्यास दोस्तों। और आज की डेट टिप में दोस्तों जो आपके फेफड़ों की एकदम अच्छे से सफाई करेंगे उसके लिए सहजन के पत्ती यानी मूंगे की फली के पत्ती, ड्रमस्टिक के जो लीव्स आते वो, उसको अदरक काला नमक और काली मिर्ची के साथ अच्छे से बॉईल करके उसका पानी भी पीना है आपको, और उसके पत्तों का सेवन भी करना है ताकि आपके लंग्स को एक नया जीवन मिले। दोस्तों हम चाहते हैं कि देश में कोई भी रोगी नहीं रहना, हर कोई निरोगी रहना। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाकाल।